मैं 5 ईयर्स का हूँ और मैं ग्रेड 1 में जाता हूँ। ड्रम तो बहुत ज्यादा पसंद। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। अच्छे हैं? यार आप तो ऑलरेडी इतने टैलेंटेड हो, सच बताओ आप 34 साल के हो ना? अच्छा आपका पूरा नाम क्या है? मेरे नाम आप लोगों के लिए प्रयाण है, मेरे मम्मा पापा के लिए जो ये। तो आप इतना अच्छा ड्रम्स बजाते हैं, तो कितने घंटे रियाज करते हैं आप? क्या मम्मी के पेट से रियाज करना शुरू किया था आपने? नहीं नहीं। तो आप कितने घंटे रियाज करते हैं? मुझे पता नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस 5 मिनट करता हूँ, नहीं 10 मिनट करता हूँ। पवनू ये 5-10 मिनट में ऐसा ड्रम बजाते हैं, आप क्या कर रहे हो? इधर आइए, इधर आइए, यहाँ पे देखिए। ये जो बच्चे हैं ना, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है आपको इनमें से? डर लगता है किसी से नहीं। किसी से डर नहीं लगता है? और पापा को किससे डर लगता है? मम्मा से नहीं। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान होंगे जाने हंसती थी वो ऐसे चलती थी, ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। जीत जाएंगे हम। वाह, व्हाट अ सॉन्ग। जीत जा जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है।
सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत तूने गीत Oh.
इनके भी मैं हूँ एक तस्वीर तू मेरा 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 मैं हूँ एक तस्वीर तू मेरा रूप रंग है गाने के जो बोल हैं बख्शी साहब के लिखे हुए आज मैं उनसे जोड़ रहा हूँ अपनी वाइफ को डेडिकेट कर रहा हूँ कि तूने ही सजाया है क्योंकि हौसला मेरी ज़िंदगी में उन्होंने आकर मेरा हौसला बढ़ाया है मुझे कुछ बनने का हौसला दिया मुझे और आज जो कुछ भी हूँ मैं उनका मेरी ज़िंदगी में संवरने का बहुत बड़ा हाथ है तो यही कहना चाहूँगा कि तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे गीत और तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत और मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के मीत मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे बस ये गा रहे थे दानिश बहुत प्यारा गाया आपने और मुझे याद आ गया कि मेरे पास है मेरे साथ है तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा आपके लिए मैं क्या कहूँ आप जब जब इस मंच पे आए हैं एक कमाल की जो मैजिकल परफॉर्मेंस आपने हर बार दी है मैं आपकी वैसे एक बात की और फ़ैन हूँ जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो आप तारीफ को ना लेके और जो ये जो अरे वाह वाह क्या बात है अरे ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा दानिश और आप प्लीज़ ऐसे ही रहना आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं कैसी हैं एकदम अच्छे आप कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ कृतिका आप भी झाजी हैं मैं भी झाजी हूँ और इस बात को सुन के निहाल को अच्छा नहीं लगा वैसे कृतिका आप इंडियन आइडल देखती हैं यस इंडियन आइडल कौन नहीं देखता है मेरे को बहुत पसंद है मेरा फेवरेट है मैं आपको ये बता दूं कि निहाल को आप पसंद हैं है ना आशीष निहाल नजर ही नहीं हटा रहे हो भाई अरे भाई पलक तो झपको ब्लिंक तो करो भाई कुछ समझाओ यार आशीष क्या कर रहे हैं तुम पास आए यूं मुस्कुराए आप कुछ कहना चाहते हैं क्या मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ अच्छा तो आप इनको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं मैं बीच में आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ थैंक यू सो मच अब तो मेरा दिल जागे न सोता है हर परफॉर्मेंस देखता है कृतिका मैम का हर परफॉर्मेंस अरे वाह और हमें आके दिखाता है देखो क्या क्या नाच रही है व्हाट टैलेंट व्हाट टैलेंट तो मतलब पूरा पागल है दिन भर इन्हीं की बातें करता रहता है मेरी क्रश है ये ओ, क्या बात कर रहे हैं हमें तो मालूम भी नहीं था क्या करो हाय कुछ कुछ होता है
तेरी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो चौल में रहते थे, वहाँ पे लड़कियों को अलग नजर से रखा जाता था हमारी सेफ्टी के लिए, कि तीन बच्चों को माँ बाप बाहर से ताला मार के जा रहे थे। सपने तो भूल ही जाओ आप देखना, हारी हारी। लेकिन सपने देखे, दुनिया से लड़ी, पेरेंट से लड़ी, मुझे भी बनना है माधुरी, मुझे भी श्रीदेवी बनना है, मुझे भी काजल बनना है। फिर आ गई, भाग गए एक दिन में ताला वाला तोड़ के। सब तो फोटो फेंक देते थे मुझे, कभी कहते थे नहीं कि क्या तुम्हारे में तो कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं बन सकती, शक्ल में दम नहीं, अकल में दम नहीं, बॉडी में दम नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिर अपने आप को बनाया मैंने, हॉर्स राइडिंग सीखी, डांसिंग सीखा, मैं सब सीखी, सेल्फ डिफेंस हर चीज सीखी। इंडियन आइडल में वैसे तो सभी मेरे फेवरेट है, बट सबसे ज्यादा जो मेरी तरह चौल में रहने वाली शायली कांबले, ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। भारत की बेटी का खिताब दिया गया है उसे, और उनके फादर एम्बुलेंस चलाते हैं, कोरोना में बहुत हेल्प भी करी है। मैं तो बहुत हिम्मत देना चाहूंगी उनके फादर को, कि ऐसे फादर ने अपनी बेटी को, रोना आता है मुझे, सपोर्ट किया, ऐसे माँ बाप होने चाहिए। ओ सदके मैं जावा, मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। मुझे तो कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रही। मैं बहुत खुश हूँ कि इस जन्म में मैंने अपने सपने देखे, अपने सपने पूरे किए, साइली के भी सपने पूरे हो।
शैली, मैं आ रही हूँ बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए। राखी जी, इंडियन आइडल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं आज रियली कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब बैकग्राउंड मतलब बैक स्टेज पे थी, मैंने रियली पहली बार अपने आंखों से देखा है कि रियल में ये सब बचता है एंड रियल में ये लोग इतना अच्छा गाना गा रहे। थैंक यू, मतलब रियली फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ, माई गॉड। और तुम्हारी तो मैं दीवानी हूँ, बहुत ही ज़्यादा साइली। महाराष्ट्र का और बिल्कुल इंडिया का नाम आप रोशन कर रही हो। भारत की बेटी का खिताब गीत दिया गया है आपको, वाह। आपके मम्मी डैडी को भी चरण स्पर्श। मेरे पापा नहीं है अभी, लेकिन आपने जो सपोर्ट किया है ना साइली को, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है ना, इनके चरण धो के पानी पीना दोस्तों। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ बनूं, हमारे खानदान में अलाउड नहीं था। बनी कि एक बार मेरे पापा मुझे कहे कि नहीं राखी, तेरा डिसीजन सही था बॉलीवुड में जाने का। पापा मेरे नहीं है, बट जहां पे भी होगे ना, वो एक बार जरूर मुझे प्राउड करेंगे। तुम्हारे पापा में मैं अपने पापा को देखती हूँ। भक्ति में जिनके मन को मिलता है डबल धमाल, तो बुलाते हैं टोटल आंटी इन टीनेजर की खाल, AK18 अरुणिता कांजी लाल। और चलिए देखते हैं कि आपसे मिलने आज कौन आया है। मेरा नाम डॉक्टर गौतम बंसाली है, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई के अंदर। मैं कोविड के पेशेंट, नॉन कोविड पेशेंट, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड मरीज होते हैं उनको मैं जनरली देखता हूँ। कोविड टाइम में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी, उस मीटिंग में मुझे अभी भी याद है कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि डॉक्टर साहब ये टाइम चैरिटी करने का नहीं है, ये टाइम सेक्रीफाइस करने का है। और सब ने पूरा तन मन से लग कर के काम किया इसके अंदर, इस कोविड फाइट से लड़ने के लिए। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। जब मैं कोविड वार्ड में राउंड लेने जाता था, पेशेंट बेचारे अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे थे, तो हमने पहली बार ये प्रोटोकॉल बनाया कि आईसीयू पेशेंट भी है लेकिन उनको अपना आईपैड, मोबाइल कुछ भी लाके यूज करने दीजिए उनको, ताकि वो घर वालों के संपर्क में रहे। मैं खुद वीडियो कॉल करवाता था पेशेंट के रिलेटिव को फोन करके, और उनको मैं बोलता था कि आप अपने जितने भी रिलेटिव है सबको आप वीडियो कॉल पे ले लो, एक साथ मैं सबका बात करवा दूंगा। लेकिन मन में एक अलग टाइप का पैशन था, लोगों को जरूरत है हमारी, हम काम करेंगे। और सारे डॉक्टर्स ने नर्सेज ने जो तरह से काम किया इस कोविड के अंदर आकर के, एक सबको सैल्यूट करना चाहिए कि इस तरह से काम किया। सिर्फ एक इंडियन आइडल था जिसने हर चेहरे पे खुशी रखी, हर चेहरे पे एक शांति रखी और एक विश्वास दिलाया कि टाइम खराब कितना भी हो, टाइम अच्छा आने वाला है, जल्दी ही आएगा। ये बाजू में जो आपकी मिसेस बैठी है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सर तो बहुत ब्रेव हैं और इतना कमाल का काम कर रहे हैं। मैम सबसे पहले तो नमस्ते, इंडियन आइडल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम जब सर काम पे होते हैं और यू नो जान जोखिम में डाल रहे हैं वो लिटरली, तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं मैम?
मुझे भी बहुत टेंशन होती थी जब स्टार्टिंग में कोरोना शुरू हुआ था, तब ये तो पूरे दिन हॉस्पिटल में रहते थे, वहाँ आईसीयू वार्ड में रहना और पूरे पूरे दिन काम करना। बच्चे पूछते थे कि मम्मा पापा कब आएंगे, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं होता था कि मैं इनको क्या जवाब दूँ। और जब काफ़ी दिनों बाद आए तो सिचुएशन ऐसी पैनिक थी कि बच्चे अपने फादर से नहीं मिल सकते, कोई गले नहीं मिल सकते। बड़ा विचित्र सिचुएशन थी। और जब हम न्यूज़ चैनल्स में देखते थे कि इतने डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, मतलब काफ़ी टेंशन भरा माहौल था। तो मुझे ये लगता था कि बच्चे अभी इतने छोटे हैं और इनका अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा इन बच्चों का। बट ये टाइम सोसाइटी की सर्विस करने का है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक डॉक्टर की वाइफ हूँ। सभी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको बहुत बहुत हैट्स ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल, मैम के लिए भी जोरदार तालियां। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हेलो एसएमपी। हेलो भैया। चलिए देखते हैं आज आपसे मिलने कौन आया है। मैं त्रिपत सिंह, 76 इयर्स ओल्ड। जिंदगी ने बहुत सबक सिखाए। 99 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया। डेढ़ दो साल मेरे ऐसे गुजरे हैं जिसे मेरी जिंदगी के बाहर चले जा चुके थे, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। मैं बच्चों को खड़ा करना है जिंदगी में, तो मैं ऐसे टूट जाऊंगा तो कैसे बात बनेगी। पुशअप में 584 पुशअप का मेरा रिकॉर्ड रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मैं इंडियन आइडल हमेशा से देखता आया हूँ, मुझे ये प्रोग्राम शुरू से अच्छा लगता है। शर्मुख प्रिया की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोग क्योंकि उसे क्रिटिसाइज करते हैं, तो किसी ज़माने में मुझे भी क्रिटिसाइज करते थे, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरा इस तरह का कनेक्शन है, तो मैं इसे सपोर्ट करने के लिए आया। क्या बात है त्रिपत जी। नमस्ते सर। सर आप मेरे साथ स्टेज पे आइए प्लीज। एक बार त्रिपत जी के लिए जोरदार तालियां, उनकी फिटनेस के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, वाह। तो सर वीडियो में तो हमने आपके स्ट्रेंथ के जलवे देखे हैं, लेकिन सर लाइव देखने में एक मजा आ जाएगा, तो कुछ अगर हमारे लिए आप पेश कर सकते हैं सर, सर तो मजा आ जाएगा। कोई ट्रक बस ले आइए, उसको भी धक्का दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं, ये बात। सर हमारे पास ट्रक बस की जगह नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके टायर्स हम मंगा सकते हैं उनके साथ अगर आप। बिल्कुल चलेगा। हाथी हर चुनौती है रे, सांप
सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाते हैं तो आंख की आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल। बाप रे, सर वाकई में मतलब विश्वास नहीं हो रहा है आपको देख के, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हमारे सारे म्यूजिशियंस के लिए। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्या समा बांधते हैं आप लोग एवरी टाइम, कैसे करते हैं। सोनू, कैसा लगा आपको शनमुखा प्रिया का परफॉर्मेंस? शनमुख प्रिया, अपने गले से क्या क्या इतनी कमाल की चीजें करती हो आप। इस उम्र में आप जिस लेवल की सिंगिंग करती हो और परफॉर्म करती हो साथ में, बिल्कुल
कहीं भी ऐसा फील नहीं होने देती हो कि किसी कॉम्पिटिशन का एक हिस्सा हो आप. बिल्कुल ऐसा महसूस करवाती हो कि जैसे सामने वाला आपका एक कॉन्सर्ट ही देख रहा है. थैंक यू सो मच. आई थिंक यू आर द बेस्ट इन इंडिया. थैंक यू सो मच. यस यस यस. शर्मुखा के लिए तालियां. तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं. मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी. तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं. ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी. किरण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. क्या खूबसूरती से इन्होंने फ्लूट बजाया और हर बार बजाते हैं. तवई आप जो गाते हो, आप जो ऊंचे नोट्स जो एकदम तार सप्तक पे जो जाके और इतना पक्का सुर लगता है, इतना पक्का सुर लाइव में ये आप कर रहे हो, इट इज इम्पॉसिबल मैजिकल. ये बहुत मुश्किल है जो आप इतनी आसानी से कर जाते हैं. मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप मेरे लिए उस्ताद हैं, उस्ताद हैं. आशीष आइए देखते हैं आपसे मिलने कौन आए. मेरा नाम नरेंद्र वकील है और मैं ये मेरी वाइफ सुशीला और मैं अपना जो काम करता हूँ वो म्यूजिक का बजाना LP लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिर अपना पुराने में रवि रवि साहब
एलपी का फर्स्ट सॉन्ग था, पारस मणि में उसने बजाया था। बोर भए पनगढ़ पे आजा जाने जा लपली वाले, एक प्यार का नगमा है, हंसता हुआ नूराना चेहरा, पर्दा है पर्दा, ओम शांति ओम मेरे महबूब। इंडस्ट्री के जितने भी म्यूजिक राइटर हैं सबके साथ काम किया। अभी रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहे हैं ना ज्यादा करके, रिकॉर्डिंग बंद हो गया अभी तो, इलेक्ट्रॉनिक सब आगे आया ना, वो जो उसके ऊपर लाइक ये वो करके कर रहे थे। रास्ता बुलाए हैं, बताए हैं सफर, बस गया ख्यालों का जिया में एक शहर। इंडियन आइडल है ना, सबसे बेस्ट आइडल है। 100 बार चैनल चेंज करके देखते हैं कि भाई आया क्या गाना, तो देखते हैं आ गए होंगे तो हम लोग बैठ जाते हैं देखने को। वाह वाह, नमस्ते मैम, नमस्ते सर, कैसे हैं? सबसे पहले तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑब्वियसली मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि सर का क्या योगदान रहा है हमारी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। तो सर ये जो आप अपने साथ डब्बा लाए हैं इसमें जी, सर थोड़ा माइक पे बोलेंगे ना? हाँ जी, अंकल का इस एज में भी क्या कंट्रोल है, कमाल, जेनुइनली कमाल, देखने वाली बात है। क्या बात है, ओह क्या बात है, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर। तो मैम आज आपकी क्या फरमाइश होगी हमारे आशीष के लिए? आशीष अच्छे गाना गाना जो अभी के लोग को पसंद आवे जी। अच्छा, क्या बात है मैम। आगे आगे बढ़ो और सब अच्छा काम करो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट आशीष। दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। चाहिए बेताबी मेरी जागो मैं क्या करूं, चाहिए बेताबी मेरी जागो मैं क्या करूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जागो मैं क्या करूं, छाई है बेताबी मेरी जागो मैं क्या करूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। करवटे बस बदलता हूँ, अब जागता हूँ मैं रातों में, अब दूरी ना सहनी हर लम्हा कहता है, ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जानो, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जानो। क्या बात है, वेरी नाइस, अच्छा। हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी चुराए
से प्यार हुआ। ओ मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। तेरे को बोला था कि तू महाराष्ट्र का शेर है और महाराष्ट्र की शान क्या है, उसका नाम आशीष कुलकर्णी है उसका नाम। आई थिंक दिस बॉय इज द डार्क हॉर्स और अगर ये लगा रहा ना तो कुछ भी हो सकता है। आशीष आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आशीष एक एक शब्द को जब गा रहे होते हैं उसको इनएक्ट भी कर रहे थे एज एन एक्टर। In fact, जब आप नोट्स भी ले रहे थे, कुछ वेरिएशन ले रहे थे जहाँ जहाँ पर, आप ऐसे दिखा के एक एक नोट को दिखा के कि सामने वाले को समझ आ रहा है कि मैं ये गा रहा हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे आशीष।
मजा आ गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।